गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर कांग्रेस की खस्ता हालत है। मिश्रा ने कहा, कांग्रेस में झगड़े चल रहे हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। कांग्रेस और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा, शायद नबी ने गुलाम को आजाद होने के लिए कहा होगा। हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस रसातल में जा रही है। कारण चिदंबरम, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण सफल होगा। शायद नबी ने गुलाम को आजाद होने के लिए कहा होगा। देरे आए दुरुस्त आए, हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस रसातल में जा रही है। कारण अब गुलाम नबी जी, आजाद साहब, चिदंबरम जी, कपिल सिब्बल जी, अब ये कारण लोगों को बता रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अब कोई कारण सफल होगा। कितना भी मंथन कर लें, पूज्य महात्मा गांधी ने तो उसी समय कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो। शायद तब की बात अब असर करे। काउसेस पर गृहमंत्री मिश्रा ने कहा, हम गाय पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, एक परंपरागत व्यवस्था है। इस तरह से कि अगर घर में पहली रोटी बनती है तो गाय की बनती है और जो आखिरी रोटी बनती है वो कुत्ते की। आज भी हमारे एक बड़ी आबादी इस परंपरा का निर्वाह करती है, उसे गोग्रास कहते हैं। अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है, उस दिशा में आगे बढ़ने की सिर्फ बात हुई है। टैक्स गाय के ऊपर लगा है, ये कहना ठीक नहीं है। नहीं, गाय पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं, शब्द का चयन ठीक नहीं है। लोग हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में गौ ग्रास की एक परंपरा है। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह की है कि घर में अगर पहली रोटी बनती है तो गाय की बनती है और आखिरी रोटी जो बनती है वो कुकर की बनती है, डॉग की बनती है, कुत्ते की बनती है। आज भी हमारे यहाँ देश की बड़ी आबादी इस परंपरा का निर्वहन करती है, वो गौ ग्रास कहलाता है। हमारे हर धार्मिक कार्यक्रम में तो ऐसी अगर परंपरा का निर्वहन, अभी कोई उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में बढ़ने के लिए विचार करने की बात कही है, पर मेरी मान्यता है कि हमारी ये परंपरा है, इसलिए ये वाली बात गाय के ऊपर कहना ठीक नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।